स्वागत है दोस्तों प्रैक्टिस सेट में। आज हम दोस्तों 6 क्लास का प्लेइंग विद नंबर संख्याओं को में को खेलना के साथ खेलना फैक्टर मतलब गुणनखंड यानी कि 20 किस 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 कट रहा है 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से 20 इसको कहते हैं गुणनखंड। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणनफल यानी इसको टेबल लिखना, 5 का टेबल लिखना कि जितना तक बोले उतना तक, ऐसे मैंने 5 तक लिख दिया है। अब आते हैं 3.2, ओड नंबर भी सम संख्या जो 2 से ना कटे टेबल में ना आए, इवन नंबर सम संख्या जो 2 के टेबल में आ जाए, प्राइम नंबर जो जो किसी टेबल में ना कटे जो अपने में कटे 2, 3, 5, 7। अब आते हैं कंपोजिट नंबर भाज संख्या जो अपने से भी कटे किसी और से भी कटे, से 4 जो है 2 से भी कटता है, 1 से भी, 6, 8 है ना, क्लियर है ना। को प्राइम से 1 होता है, स्मॉल प्राइम नंबर छोटे भाज संख्या सिर्फ 1 होता है, छोटी प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, सॉरी। ठीक है देखो दोस्तों, अब है स्मॉल कंपोजिट नंबर छोटी भाज संख्या 4, स्मॉल इवन नंबर छोटी सम संख्या 2। अब आते हैं 3.3, देखिए 6 से डिविजल करने वाला 2 और 3 से जो कटता वो होगा 2 से डिविजल विभाज जो संख्या है यूनिट 1, 0, 2, लास्ट में जो 0, 2, 4, 6, 8 होगा उसको कहते हैं। अब दोस्तों 3 डिविजल सम ऑफ डिजिट मल्टीपल और जो सम करके और मल्टीप्लाई हो जाएगा उसको बोलते हैं। 11 डिविजल विभाज एड करना इवन को और माइनस कर देना ऐड करके ओड से, यानी सम संख्या को जोड़ना माइनस और सम संख्या विषम संख्या जोड़ना दोनों माइनस कर देना, फिर डिवाइड में देखो इसको जब डिवाइड किया आपने 6 से कट डिवाइड हो गया ठीक है, 2 से कट गया 2, 2, 1, 2, 2, 5, 10 तो 105। अब 3 से कट गया कितना आ गया 111। अब 11 से कट जाएगा 11, 3 जा 33, 11, 4 जा 44, 0 आ गया। 9 से विभाज का मतलब इस 9 से कट जाएगा, 8 से विभाज कट जाएगा, 3 से कट जाएगा पूरा डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, इसे एग्जांपल दिया मैंने आपको। और इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, कल संडे को बनाता हूं मैं, ठीक है उसको ज़रूर देखना दोस्तों। यहां देखिए कॉमन फैक्टर सार गुणनखंड 20 किससे कट कर कटेगा 1, 2, 4, 5, 10, 20 कॉमन है ना सार। 28 किससे कटेगा 1, 2, 4, 7, 14, 28 तो कॉमन में क्या आएगा जो मिलेगा, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है बस। अब कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब टेबल, पीछे दिखाए थे ना 6 टेबल मैंने पढ़ लिया 10 तक और 8 के टेबल हमने पढ़ लिया। कॉमन फोर मल्टीपल में क्या क्या मिला साहब गुणज में 24 मिल रहा है ना, फिर 48 आगे जो भी होगा। अब आते हैं 3.5 में, देखिए 5 में क्या है 60 है तो 10 यहाँ 60 यहाँ, 6 को हमने यहाँ लिखा था तो 2, 3 जा 6, यहाँ 5 लिखा तो 5, 2, 10, 5, 2 जा 10। अब आ गया प्राइम फैक्टर यानी गुणनखंड आवाज गुणनखंड, इसको एलसीएम होता है। तो देखिए इसको एलसीएम करने के लिए 7 से डिवाइड हुआ तो 7 से कट गया, 2 से 4, 7 से, फिर 13 से लिख गया तो 19 से कैसे कट गया, तो ये आपका हो गया ठीक है। और ये पूरी डिटेल बताएंगे आपको आगे, क्लियर है। 3.6 देखिए, 3.6 एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम संवर्धक आवाज गुणनखंड, यहाँ देखिए प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर का मतलब होता है अलग अलग, 18 का देखिए 1, 2, 3, 3, 3, 3 जा 9, 9, 2 जा 10, 5, 5, 25 का 5, 5 जा, अब इसमें मिल क्या रहा है एससीएफ 1, भाग विधि डिवाइड करना 18 को डिवाइड किया 7 आ गया, फिर इसको लेकर 7 14, 4 से किया, अब यहाँ देखिए फिर आपका 3 से जाएगा 3, 1 जा 1 से कट गया 9, 1 आंसर आ गया। अब आते हैं हम लोग एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुसम लघुत्तम समवर्तक आवाज गुणनखंड, अब यहाँ पे क्या हो गया आवाज गुणनखंड में 8 का किससे कटेगा 2, 2 जा 4, 4 जा 8, 10 का 2, 5 जा। अब देखिए दोनों में एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो मिलता है वो भी होगा, जो नहीं मिलता वो भी होगा। देखिए ये मिल रहा है निकाल दिया, अब देखिए 2 कितना ऊपर है, अकेला बच गया और 5 बच गया, क्लियर है, क्लियर है ना। 5, 2 जा 10, 10, 2 जा 20, 20, 2 जा 40, 40 यहाँ भी आ गया, आगे तुम्हारा मैथ सही है बिल्कुल। अब देखिए 2 से कटेगा 2, 4 जा 2, 5 जा, अब नहीं कटेगा मल्टीप्लाई कर दे 5, 5 जा 20, 22 जा 40। अब यहाँ पर आ गया द ग्रेटेस्ट नंबर 3 बड़ी संख्या 3 का 999, 3 इज स्मॉलेस्ट नंबर 3 छोटी संख्या 1 पे 2 0। अगर वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फिर हम आपको वीडियो पूरा बनाते रहेंगे। अभी हमने 3 चैप्टर तक का मैथ पूरे अपलोड किया है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।